बच्चों, आज हम आपको दिवाली पर हिंदी में 10 वाक्य बताने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और अपने सुझाव फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन, दिवाली, को हम दीपावली भी कहते हैं। जो हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख रोशनी का त्योहार है। खड़ी पाए। दूसरा लाइन, दिवाली का त्योहार प्रतिवर्ष हिंदी पंचांग के कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। खड़ी पाए।
तीसरा लाइन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अक्टूबर या नवंबर महीने में दीपावली का यह पर्व मनाया जाता है। खड़ी पाए चौथा लाइन दिवाली मुख्य रूप से तीन दिनों तक भव्य रूप से मनाए जाने वाला हिंदू धार्मिक महापर्व है। खड़ी पाए पांचवा लाइन लोग घरों को अच्छी तरह से साफ सुथरा करते हैं और झालर
मोती, तथा रंगोलियों से सजाते हैं। खड़ी पाई, छठवां लाइन दिवाली के दिन हिंदू लोग घरों में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की नई मूर्तियों को स्थापित करते हैं। और पूजा पाठ करते हैं। खड़ी पाए, सातवां लाइन दिवाली का पर्व घरों को दीपों से सजाए जाने के साथ साथ बच्चों के द्वारा खूब आतिशबाजी
करने के लिए भी जाना जाता है। खड़ी पाई, आठवां लाइन, घरों में इस दिन तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं। और लोग आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटते हैं। खड़ी पाए, नवा लाइन, इस त्योहार को मनाए जाने की मुख्य मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम कौमा माता सीता और लक्ष्मण चौदह
वर्ष के वनवास से लौटे थे। खड़ी पाए दसवां लाइन प्रभु राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने मिट्टी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया कौमा तब से यह पर्व मनाया जा रहा है। खड़ी पाए प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।